भारत सरकार हर समय में अपने नागरिकों के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए काफ़ी सारा वेबसाइट को लॉन्च करता रहता है। ठीक ऐसे ही एक बात हुआ है, एक गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च हो चुका है जिसके कारण काफ़ी सारे लोग, काफ़ी गरीब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी मेन बात है, इस वेबसाइट को हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मेन बात तो यही है, ये एक स्कीम का पोर्टल है। फॉर एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम को लॉन्च किए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस तरीके से काफ़ी सारी स्कीम लाती है जो कि गरीब लोगों को फ़ायदा मिलता है। ठीक ऐसे ही ये वेबसाइट में आपको हर स्कीम का जानकारी मिलेगा, हर स्कीम के बारे में जान सकते हैं और हर स्कीम का आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पर फायदा में मिलेगा। तो यह पोर्टल को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्री पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे, आप नीचे क्लिक करेंगे मोर में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले पेज पर आ सकते हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का हाल ही में लॉन्च किया हुआ पोर्टल है जहाँ से आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आप अपने गवर्नमेंट स्कीम को अपने हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, इसके बाद आप कैसे वहाँ पर एक्सेस करेंगे इसका भी आपको यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे कैटेगरी आपको मिलेंगे। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, रूरल एनवायरनमेंट, आपका जो गांवली एरिया है उसको आपको डेवलप करने के लिए आपकी खुद के लिए कौन सा स्कीम है। यहाँ पर 6 स्कीम अभी के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है, आने वाले दिनों में काफ़ी स्कीम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दीनदयाल, इसके बाद पीएम स्वामित्व योजना, एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर वन टाइम सेटलमेंट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये था एग्रीकल्चर रूरल एंड एनवायरमेंट का स्कीम। इसके बाद नेक्स्ट 31 स्कीम है यहाँ पर, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि यहाँ पर आपको पता ही है कि आपको यहाँ पर लोन मिलता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, लोन बेस्ड स्कीम फॉर सफाई कर्मचारी, जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उनको लोन भी मिलेगा, क्रेडिट बैक स्कीम फॉर एससी यूजर के लिए, शेड्यूल कास्ट जो लोग बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे, आप यहां पर एक एक करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो 15 स्कीम है। अगर आप यहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा सा बिजनेस करना चाहते हैं, तब आपको यहां पर 15 स्कीम मिलेगा। तो आप यहां पर ऐसे स्क्रॉल करके देखेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा वीडियो में, आप बने रहिए। कैसे करना है प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे बताऊंगा वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन एंड लर्निंग, 21 स्कीम है यहाँ पर, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सीखने के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस, हाउसिंग एंड शेल्टर, मतलब कि अगर आपको नया घर चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, या फिर आपको रहने की जगह नहीं है उस हिसाब से आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहां पर आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड जस्टिस, मतलब कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या क्या एक्शन लिया जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट साइंस, आईटी एंड कम्युनिकेशंस, इसके बाद है स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि यहाँ पर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स में 3 स्कीम हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास कोई मतलब स्किल्स है तो आप कैसे काम कर सकते हैं, या फिर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, 17 स्कीम यहाँ पर बताया गया है। 64 स्कीम में सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर में 3 स्कीम है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 स्कीम है, यूटिलिटी एंड सैनिटेशन में 13 स्कीम है। तो इतना स्कीम अभी के लिए ऐड है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर है इजी स्टेप टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट स्कीम, ये जो स्कीम मैंने आपको बताया था उसको अप्लाई करने के लिए बस आपको ये 3 स्टेप करना है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल्स एंटर करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये स्कीम आपके सामने आएगा, उसके बाद आप वहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस कैसे करेंगे ये सीखने से पहले आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जरूर कीजिएगा क्लिक, और यहाँ पर पढ़िएगा जरूर कि गवर्नमेंट ओपिनियन है किस वजह से यहाँ पर
ये वेबसाइट को लॉन्च किया है। यहाँ पर लिखा है आवर विज़न टू मेक सिटीजन्स लाइफ इजीर, मतलब कि हर किसी का लाइफ को इजी करने के लिए यहाँ पर ये पोर्टल को लॉन्च किया है। और इनका मिशन क्या है, टीम लाइन द गवर्नमेंट यूजर इंटरफेस फॉर गवर्नमेंट स्कीम एंड बेनिफिट्स, रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू फाइंड एंड अवेल गवर्नमेंट स्कीम। काफ़ी सारे लोग धक्के खाते हैं, ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, उनको कौन सा स्कीम में वो एलिजिबल है उनको पता नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पर ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। काफ़ी सारे लोग जो धक्के खाते हैं उनको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो myscheme.gov.in पर आने के बाद उनका काम खत्म, इसके बाद अप्लाई। तो कैसे करना है, चलिए मैं आपको होम पेज पर लेके बताता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा फाइंड स्कीम्स फॉर यू का एक ग्रीन कलर का टैब, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फिर फीमेल, इसके बाद ट्रांसजेंडर। नीचे आपका एज सेलेक्ट करना होगा, आप कितने साल के हैं यहाँ पर आपको डालना है, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद अपना स्टेट को यहाँ से आप चूज़ करेंगे, और आप कहाँ पे रहते हैं, रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं। अगर आप NSC म्यूनसिपल्टी एरिया में रहते हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक करना है, और अगर आप पंचायत एरिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपना कास्ट चूज़ करना होगा, ST, SC, OBC, PVTG, इसके बाद नेक्स्ट। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना परसेंटेज आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट में मेंशन है यहाँ पर डालेंगे, और अगर आप हैंडीकैप नहीं हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद क्या आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब कि क्या हिंदू के अलावा कोई धर्म है आपका, अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो, इसके बाद नेक्स्ट। क्या आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा, मतलब कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, एम्प्लॉयड हैं या फिर बेकारी हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इज योर ऑक्यूपेशन वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आप क्या काम करते हैं, एक्स सर्विसमैन, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, जो भी है बहुत सारे यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आपके घर में BPL कार्ड है क्या, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद आपका फैमिली का इनकम बताना है कि कितना है एनुअली, इसके बाद नेक्स्ट। अभी आपका जो है स्कीम यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल्स डाला हुआ है इसके रिगार्डिंग कितना स्कीम में मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर बताया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैटेगरी में है, लेकिन उनमें से भी काफ़ी स्कीम है, 14 है इसमें, 12 है, 9 है, 6 है, 5 है, 5 है, 3 है, 3 है, 1 है। तो जो भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं बिजनेस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद सबमिट। तो मेरे पास 5 स्कीम आ चुका है, क्रेडिट बेस्ड स्कीम फॉर SC, मैं तो SC नहीं हूँ, छोड़ दीजिए, एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, स्टैंड अप इंडिया क्रेडिट बेस्ड स्कीम फॉर SC, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर वन टाइम सेटलमेंट फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम POK एंड CHAM अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज। तो आपको अपने हिसाब से ढूंढना है कि आपका बेस्ट स्कीम कौन सा है, उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है यहाँ पर तीर में, इसके बाद उसका डिटेल्स आ जाएगा, उसका बेनिफिट्स आ जाएगा, आप यहां पर एक एक करके देख सकते हैं किस तरीके से होगा। नीचे आएंगे एलिजिबिलिटी में, आप यहां पर देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यहां पर आ जाएगा। लेकिन अभी मेन बात है यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, या फिर हम इसका फ़ायदा जो है ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे उठा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां पर नीचे क्लिक कीजिएगा, वीडियो का लिंक नीचे है, या फिर आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहां पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।